नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी पटना में आगामी 15 अगस्त को लेकर जहां एक ओर प्रशासन पूरी तरह से चौकन्नी नजर आ रही है, वहीं पटना के कोतवाली थाना अंतर्गत हार्डिंग रोड से मणिपुर से स्पेशल टीम की मदद से 3 उल्फा उग्रवादियों को पकड़ा गया है। वह इन सभी उग्रवादियों को कोर्ट के समक्ष पेश कर सभी को मणिपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मधुबनी जिले में बढ़ रहे क्राइम और उद्भेदन में असमर्थ पुलिस के रवैये के खिलाफ समाजवादी जनता दल के बैनर तले पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में समाहरणालय के सामने अंबेडकर प्रतिमा स्थल के पास धरना दिया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव ने कहा कि मधुबनी में क्राइम काफी हद तक बढ़ चुका है और पुलिस इस पर रोक लगाने में असमर्थ है। सरकार सुशासन के राज की ढकोसला दावा करने से कभी चूकती नहीं और अपराधियों में सरकार और पुलिस का भय है ही नहीं। वही पूर्व मंत्री ने अपनी मांगों का ज्ञापन पुलिस अधीक्षक मधुबनी को सौंपा और इसकी प्रतिलिपि सीएम डीजीपी आईजी दरभंगा और जिला समाहर्ता मधुबनी को भी सौंपा। वही जो शराब का खेप आ रहा है, जो कि बिहार सरकार शराब बंद कर दिया है, शराब बंदी के बावजूद भी शराब का खेप आ रहा है, जो शराब का माफिया है, शराब का माफिया और कहीं स्थानीय पुलिस में गठजोड़ नहीं तो है, ये यक्ष प्रश्न जनता के सामने खड़ा हो गया। यदि ये गठजोड़ है तो इसका खुलासा होना चाहिए। उच्च स्तरीय पदाधिकारी जो पुलिस प्रशासन के हैं, इसको जांच करें, निष्पक्ष जांच करें और देखें स्थानीय जो थाना अधिकारी है इनके, या जो थाना अध्यक्ष है या उससे कनीय अधिकारी है, उससे कहीं शराब व्यापारियों को या शराब तस्करों को या शराब माफियों का कहीं गठबंधन तो नहीं है। यदि गठबंधन होगा तो हत्या का सिलसिला रुकेगा नहीं। जब मूल्य खत्म हो जाता है तो पैसे की भूमिका बढ़ जाती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपराध मुक्त करो मधुबनी जिला को। हमारी मांग है मधुबनी जिला को अपराध मुक्त करो। और अकाल मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने और बकरीद समेत स्वतंत्रता दिवस पर शांति कायम रखने को लेकर प्रशासनिक कवायद परवान चढ़ गई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को नगर थाना परिसर में नगर सह ग्रामीण इलाकों के प्रबुद्धजनों के साथ अधिकारियों की गठित शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस शांति समिति की बैठक में शराब की खरीद बिक्री पर लगाम लगाने के लिए लोगों से अपेक्षित सहयोग की गुजारिश भी की गई। ट्राइडेंट सेवा संगठन के तत्वाधान में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने लगभग एक दर्जन फलदार पौधा लगाया। इस अवसर पर ट्राइडेंट सेवा के प्रदेश अध्यक्ष विवेकानंद ठाकुर ने कहा कि विकास की दौड़ में कहीं ना कहीं हम सभी प्रकृति की उपेक्षा कर रहे हैं, जिसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधे और नदी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की पूजा की जाती है। ट्राइडेंट सेवा के तत्वाधान में लगभग एक दर्जन पौधरोपण किया गया है। मनुष्य के जीवन में पौधों का होना अति आवश्यक है। पौधे के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। एक पौधा 100 पुत्र के समान होता है। औरंगाबाद जिले में 3 हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। औरंगाबाद पुलिस कप्तान दीपक बरनवाल ने प्रेस वार्ता कर पुल उड़ाने आए नक्सलियों के मामले का उद्भेदन करते हुए इस पूरे मामले की जानकारी दी है। पिछले दिनों आई बाढ़ से उत्पन्न समस्या सहित अन्य समस्याओं को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य स्तरीय अभियान के तहत क्रांति दिवस के अवसर पर 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड कार्यालय प्रांगण में एक दिवस के धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन स्थानीय जुम्मन चौक स्थित भाकपा कार्यालय से निकलकर प्रखंड मुख्यालय प्रांगण में जाकर एक सभा में तब्दील हो गई। वही धरने के बाद राज्यपाल के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित आनंद के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया। जो हम मांग पत्र में देने जा रहे हैं जनता की, और जो अन्य समस्या है उसमें किसानों की समस्या है। किसान का तो ऋण टूट गया और मजदूरों का भी सवाल है। ये सारे सवालों को लेकर के आज हम लोग मांग पत्र भी समर्पित करेंगे। यही हमारा कार्यक्रम।
सहरसा जिले के सत्तर कटैया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत राम जानकी ठाकुर बाड़ी की स्थिति करोड़ों की संपत्ति का स्वामित्व रहने के बावजूद मिटने के कगार पर है। स्थानीय दो दर्जन से अधिक लोगों द्वारा ठाकुर बाड़ी की लगभग 35 एकड़ जमीन पर कब्जा जमा लिया गया है। परिणाम स्वरूप दिन पर दिन यह स्थल खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। हालांकि लोगों के कब्जे से जमीन एवं ठाकुर बाड़ी के विकास की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया गया, मगर प्रशासनिक स्तर से कोई पहल नहीं होने के कारण जमीन पर कब्जा जमाने वाले के मनोबल में कोई कमी नहीं आई। मामला यही है जो राम जानकी मंदिर में 40 बीघा जमीन है और यहाँ पर जो है लोग अपना उपयोग कर रहा है। सरकार को सूचना हम लोग दे दिए हैं, प्रशासन स्थानीय प्रशासन सीओ एसडीओ को भी सूचना दिए हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया जा रहा। यहाँ का जो सिक्योरिटी है पूर्व से गठित किए हुए, यहाँ का सदस्य सब जो है अपने मन के अनुसार यहाँ का पैसा जमा नहीं कर रहा है, जब अपने उपयोग के लिए अपने घर का काम कर रहा है। यहाँ का जो है जो बवा है वो भूखे मर रहा है, उनको पैसा नहीं मिलता है, ना उसको धूप अगरबत्ती के लिए पैसा मिल रहा है, ना भवन निर्माण के लिए उसको पैसा मिल रहा है। यह भारी पैमाने पर अन्याय है, प्रशासन को सजग होना चाहिए। और हम लोग कई बार अनशन प्रदर्शन भी कई बार किए, प्रशासन हम लोग को बल प्रयोग करके यहाँ के दबंग लोगों द्वारा हत्या की साजिश किया। बारी 12 बजे रात को हम लोगों का गिरफ्तारी किया, गिरफ्तारी करने के बावजूद हम लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। इन्हें लिए मैं न्याय चाहता हूँ प्रशासन से, जो ये धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा जो जमीन यहाँ पर सामाजिक सुधार के लिए, सामाजिक विचारधारा को बदलने के लिए, राम जानकी मंदिर का जो है बहुत बड़ा संपत्ति है, करोड़ों का संपत्ति है, लोग अपना उपयोग कर रहा है, इन पर रोक लगे, नहीं तो ये जो है भारी पैमाने पर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। डीएम साहबा एसडीओ साहबा से कई बार एसडीओ साहब से कहे हैं जो बसर इसका न्याय हम लोगों को दिलाइए। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थर्मल प्लांट के मुख्य द्वार पर मृतक मजदूर सचिन चंद्रवंशी के परिजन व अन्य मजदूरों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। बता दें कि कांटी एनटीपीसी थर्मल प्लांट में स्थित बॉयलर से गिरकर मजदूर सचिन चंद्रवंशी की मौत हो गई थी। वही सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का भी आरोप मजदूरों ने लगाया है। शर्मा नवीन आपसे बात हुआ, मोतिहारी जिले के घोड़ासहन किसान भवन में बीडीओ अशोक कुमार ने पंचायत समिति के बैठक का आयोजन किया। बैठक में लगभग सभी प्रतिनिधि उपस्थित रहे, हालांकि कुछ पदाधिकारी के उपस्थित न होने पर पंचायत समिति द्वारा विरोध करते हुए बैठक को बाधित किया गया और किसान भवन के गेट पर खड़े होकर बीडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं जिला परिषद सीमा जायसवाल ने बताया कि वृद्धा पेंशन में 1,000 रुपये, इंदिरा आवास में 30,000 रुपये और शौचालय में 2,000 रुपये की पदाधिकारी द्वारा मांग की जाती है। अररिया जिला पदाधिकारी वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था को लेकर सभी थाना अध्यक्ष, अंचलाधिकारी और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से थाना स्तर पर भूमि विवाद के निराकरण और मद निषेध सहित कई मामलों पर समीक्षा की गई। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।